नमस्कार, मी लक्ष्मण. आपण पाहताय आपला आवाज. आपला आवाज मध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. बातमी आहे शिरूर येथून. NRC व CAA कायद्याविरोधातील शिरूर मुस्लिम जमातचा मोर्चा पोलिसांकडून थोपविण्यात आला आहे. संपूर्ण देशामध्ये NRC व CAA विरोधातील निदर्शने होत आहेत. त्या अनुषंगानेच शिरूर मुस्लिम जमातीच्या वतीने शिरूर येथे 3 जानेवारी 2020 रोजी मोर्चा काढण्यात आला होता. मोर्चेकरी पावळ फाट्याहून तहसील कचेरीपर्यंत पायी जाणार होते, परंतु पोलीस प्रशासनाच्या वतीने कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन दौंड विभागाच्या पोलीस उपविभागीय अधिकारी ऐश्वर्या शर्मा यांनी मोर्चेकऱ्यांना केले. तसेच शिरूरच्या तहसीलदार श्रीमती लैला शेख यांनी स्वतः मार्केट यार्ड येथे मोर्चेकऱ्यांजवळ जाऊन त्यांचे निवेदन स्वीकारले. त्यानंतर मोर्चाची सांगता तेथेच करण्यात आली. या मुस्लिम बांधवांच्या मोर्चामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुक्यातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यात जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन सभापती सुजाता अशोक पवार, पंचायत समिती सभापती मोनिका हरगुडे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती शशिकांत दसगुडे, राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष रवी बापू काळे, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष वैभव यादव, तसेच मुजफ्फर कुरेशी, रंजन झांबरे, यज्ञिका कर्डिले हजर होते. बामसेफच्या वतीनेही या कायद्याविरोधात संपूर्ण देशभर आंदोलने होत असून बामसेफच्या वतीने या मोर्चाला गोरखनाथ वेताळ यांनी संबोधित केले. तर DYSP ऐश्वर्या शर्मा यांनी कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे आवाहन आपला आवाज चॅनलशी बोलताना व्यक्त केले. याच बातमीचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला आहे आमचे शिरूर तालुका ब्युरोची रवींद्र खुडे यांनी. पाहूयात. मुस्लिम जमात शिरूर की तरफ से आज यहाँ पर NRC और CAA के विरोध में प्रोटेस्ट रखा हुआ था. बाकायदा उसके परमिशन के लिए जमात की तरफ से अर्जी भी दी गई थी और उसकी सारी चर्चा जो है वो पहले ही हो चुकी थी. आज जो मोर्चा निकालने वाला था उसके पहले 2 घंटे पहले पुलिस की तरफ से जमात को सूचना दी गई कि आप ये प्रोटेस्ट नहीं निकाल सकते हैं और इस प्रोटेस्ट को निकालने के लिए पुलिस ने परमिशन को रद्द कर दिया. बाद में दोनों तरफ से यह तय किया गया कि ठीक है कि यहाँ पर जो मार्केट यार्ड में ही जो लोग जमा होंगे उनके सामने ही निवेदन दिया जाएगा और बाद में बाकायदा परमिशन लेकर बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा. इस तरीके से ये मोर्चा जो है अभी यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है, ऐसी जानकारी है. और लोगों को शांत तरीके से अपने अपने घर पर जाने के लिए कहा गया है और ये प्रोटेस्ट प्लानिंग करके सबको जानकारी देके बाद में फिर ये प्रोटेस्ट किया जाएगा. NRC के विरोध में भारी संख्या में ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं. इस मोर्चा में जो अपना मुस्लिम जमात है वो अधिकृत रूप से सहभागी था. बहुजन क्रांति मोर्चा, बामसेफ और उसकी ऑपोजिट विंग की तरफ से भी इसको समर्थन किया गया है और बहुत सारे संगठन है जिन्होंने इस मोर्चा के लिए समर्थन भी किया था. सभी SC ST OBC के बहुजन समाज के जो सारे संगठन हैं वो भी इसमें बाकायदा अधिकृत रूप से सहभागी थे. इसीलिए ये कोई एक जाति का या एक समाज का ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं था. पूरा बहुजन समाज मुस्लिम साथ लेकर सबके साथ में प्रोटेस्ट किया जा रहा था. ऐसी कोई कायदा व सुव्यवस्था की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन पुलिस ने इसको आज रोका है. लोगों ने कानून का सम्मान किया है, संविधान का सम्मान किया है और संविधान का आगे भी सम्मान करने के लिए, कानून की रक्षा के लिए ये सारे लोग फिर एक बार प्रोटेस्ट करने वाले. ओबीसी का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री होने के बाद भी ओबीसी के लोग अपनी जनगणना मांग रहे हैं. वो ओबीसी का प्रधानमंत्री उनकी जनगणना नहीं कर रहा है, उनको यहाँ पर गिना नहीं जा रहा है. जिनकी गिनती नहीं होती वो काहे के हिंदू है. तो SC ST OBC के जो लोग हैं वो 14 लाख लोग हैं, उनको NRC में विदेशी घोषित किया गया है. दूसरी बात में आपको वो क्यों नहीं करके, कल शाम को मुझे एक फोन आया ससन हॉस्पिटल से. क्या फोन आया? एक NT का आदमी है, उसका 1.5 साल का बच्चा है. वो ससन हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया है, उसका लीवर खराब है, उसको ICU जो है ICU की जरूरत है. ये ससुन में हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उसको ससुन हॉस्पिटल में एडमिट होने की मेरी आवाज थी, ससुन हॉस्पिटल में उसको ICU की सुविधा नहीं मिल रही है. सरकार
प्रचार कर रही है कि जो लोग पीछे दबे हुए हैं उन लोगों को जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें 10% कार्ड जो है उपलब्ध कराई दी जाए। अभी वो लड़का चाहता है कि रूबी हॉस्पिटल में जाए, दूसरे हॉस्पिटल में जाए। उसकी समस्या क्या है? उसकी समस्या है उसके पास रेशन कार्ड नहीं, इसके कारण वो दूसरे हॉस्पिटल में जाके अपने बच्चे को नहीं बचा पा रहा है। जो यंती का है वो 1.5 साल का बच्चा अभी आखिरी सांस शायद गिन रहा होगा, जिसके पास अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करने के लिए रेशन कार्ड तक नहीं है, वो भारत का नागरिक एनआरसी के तौर पर कैसे रजिस्टर होगा? बताइए, नहीं होगा। ये एनडीएमके के लोग हैं, सामने बताया अभी 30% 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, ऐसे लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, कई हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको अपनी जन्म तारीख बर्थ डेट भी मालूम नहीं है। मेरे बर्थ डेट जो है वो मास्टर ने लिखी है 1 जून 1984। यहाँ से कितने सारे लोगों को जन्म तारीख भी मालूम नहीं है, तो हमें से कितने लोग हैं? तो ये एनआरसी जो दिखा रहा है कि ना मुसलमान का है, मुसलमान हिंदू सबको लिया, मुसलमान को अलग किया, इसलिए प्रोटेस्ट करने में आगे मुसलमान आएगा, कहेगा भाई एनआरसी में हमको भी ले लो, ऐसा कह सकता है। लेकिन एनआरसी जब होगा तो उसमें सबसे ज्यादा निशाने पर होगा ये सीएसटी ओबीसी के लोग। इस जानकारी के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुजरात में जब पाकिस्तान के एरिया से 9 लाख आदिवासी भारत में आए, उस समय आए 1947 में आ गए, वो 9 लाख लोगों को आज तक भारत ने नागरिकता नहीं दिया, आदिवासी लोगों को नागरिकता नहीं। जो पश्चिम बंगाल से उस समय लोग आए उन लोगों को डिटेंशन कैंप में 1947 से रखा है। जो बांग्लादेश से आए हिंदू है उन लोगों को भी आज जंगलों में बसने के लिए मजबूर कर दिया गया है। तो ये मसला क्या है इसको हम समझेंगे, ये कोई रिलीजियस डिसीजन नहीं है, इसको आप समझिए, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। ऐसी निशाना आपको महाभारत की एक कथा मालूम, सुधारित नागरिकत्व कायदा लोकसभेत आणि राज्यसभेत संमत केला आणि त्या कायद्याच्या विरोधात संपूर्ण देशामध्ये आंदोलन लागला, त्याचाच भाग म्हणून आज आपण शिरूर पराक्रम या ठिकाणी प्रवेश करने से उसका हल निकलने वाला, इसका अगर हमें सही में हल निकलना है तो इसको विरोध करने के लिए हमें पूरे भारत में क्या करना होगा, प्रोटेस्ट करना होगा। भारत में प्रोटेस्ट करने के लिए संगठन भारत का और हमारा नियोजन प्लानिंग भारत का होना चाहिए। इसीलिए मैं आप सबको ये विनती करता हूँ कि भारत के लेवल पर हम इसको प्रोटेस्ट करने वाले हैं। इसको प्रोटेस्ट करने के लिए आपको पर्चा भी यहाँ पर दिया जाएगा 8 तारीख को भारत व्यापी उसका मोर्चा है और 29 तारीख को भारत बंद भी है। उसमें ये सी एस टी ओबीसी एनटी डीएनटी बीजेपी सिख मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट लिंगायत इतने सारे लोग इकट्ठा आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको हम इधर भी उसी प्लान को बनाकर सारे एससी ओबीसी के हर गांव में जाकर हम आपके साथ में इकट्ठा होकर इस प्लान को अमल करेंगे, 8 तारीख को करेंगे, जो हम सब मिलकर जो तारीख बनाएंगे उसको भी करेंगे। ऐसा प्रोटेस्ट अगर हम करते हैं तो हम एनआरसी को रद्द करने में कामयाब हो सकते हैं। एक आखिरी बात बताऊंगा, हम जो है ये मिट्टी में हमारा खून है, एक ऐसा नहीं है, हम सबका खून भी एक ही है, हमारे सबका डीएनए भी एक है, हम एक खून वाले लोग हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसीलिए एनआरसी को इस तरीके से नीति रणनीति बनाकर हमको विरोध करना है, इसको आपको
समझना है इसको समझ लीजिए और इसी के साथ आप इत्मीनान के साथ बहुत शांत तरीके से यहाँ से आपको जाना है, यही बात कहता हूँ। और समझो ये सीए का कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट। हम प्रोटेस्ट महाराष्ट्र के सिरूर तहसील में कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, महाराष्ट्र में जो सरकार है वो सरकार किसकी है? शिवसेना भी और कांग्रेस और एनसीपी की है, सत्ता है। अभी हम सेंटर में जो बीजेपी है उसके विरोध में कर रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम भी एनआरसी महाराष्ट्र में लागू नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि वो भी एनआरसी के विरोध में। अभी हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट उनकी है तो शायद पुलिस जो है वो तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में, पुलिस तो स्टेट गवर्नमेंट के नियंत्रण में। अभी पुलिस को किसने कहा हमको रोको? तो इसका मतलब है महाराष्ट्र की सरकार हमको रोकनी चाहती, यही उसका अर्थ निकलता है। तो महाराष्ट्र की सरकार भाई हमको क्यों रोकनी चाहती है? उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका कारण यह है कि हम जो लोग हैं एक शहर में खाली इकट्ठा हुए और मुस्लिम के नाम पर इकट्ठा हो गए। अगर हम ऐसा नहीं करते, हम सारे समाज को इकट्ठा लेकर एक साथ ये एनआरसी की समस्या केवल आणि मग त्या ठिकाणी अशोक कौटुंबी कलेक्टर साहेबांना एसपी साहेबांना फोन केले होते की ठीक आहे 143 कलम लागू आहे तर 27 तारखेचं आंदोलन आम्ही पुढे घेतो। 3 तारखेला आता 3 तारखेला त्या ठिकाणी आमचा मुख्य मोर्चा आहे, त्या आंदोलनाला त्या मुख्य मोर्चाला तुम्ही परस्थगिती किंवा बचाव करू नका। कलेक्टर साहेब एसपी साहेबांनी सांगितलं होतं की नाही 3 तारखेला तुम्ही मुख्य मोर्चा करा, परंतु आज दुर्दैवानं रशीद भाईच्या ऑफिसमध्ये सोडला या विभागाच्या डीवायएसपी बीआय साहेब यांनी मिटिंग घेतली आणि मला त्या ठिकाणी बोलवलं गेलं। त्या ठिकाणी गेल्याच्या नंतर समजलं की आज तुम्ही मोर्चाला विरोध करत आहे। तो यहाँ पर निशाना मुसलमानों पर है, उद्देश्य मुसलमानों का यहाँ आ रहे। मुसलमान तो ईमान पर लड़ने वाले लोग है, उनको भारत से कोई कर इन सभी लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों से दूर रखने का काम ये कर रहे हैं। इस राजनीति को समझो, इसीलिए मैं सर आप सभी भाई को ये विनती करता हूँ कि आप सभी लोगों को इकट्ठा आकर कानूनी तरीके से प्लान बनाकर अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस हमको आज भी नहीं रोक सकती थी, लेकिन हमने निर्णय किया नहीं जाएंगे। लेकिन अगली बार आप सभी को फिर एक बार जानकारी दी जाएगी, इससे भी ज्यादा संख्या में आपको आना होगा। ये पुलिस आपको क्यों रोक रही है इसका कारण मैं बता दिया। मैं शर्मा है, मैं आईपीएस 2017 बैच की हूँ। मैं सिर्फ सारे नागरिकों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कायदा और सुव्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। अगर कायदा या सुव्यवस्था बिगड़ता है तो आपकी ही लॉन्ग टर्म में हानि होगी, आपकी ही इकनॉमी खराबी होगी, आपके ही कम जॉब जाएंगे, आपको ही कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आप जो भी करना चाहते हैं शांति से कीजिए, सरकार आपके लिए है, आपकी सहायता के लिए। सरकार के साथ सहकार्य करिए, प्रशासन के साथ सहकार्य करिए। कृपया करके कभी भी किसी भी सर्कमस्टेंसेज में कायदा या सुव्यवस्था को अपने हाथ में मत लीजिए। प्लीज़ अपने फ्यूचर के लोगों का भी ख्याल रखिए, इकोनॉमी का ख्याल रखिए, डेवलपमेंट का ख्याल रखिए। ये सब भी खूब मोटे इशूज है, इन पे भी ध्यान दीजिए। बस जय हिंद जय महाराष्ट्र। जुन्नर येथील शिवनेरीचा बुलंद आवाज, आपला आवाज जगात कधीही कोठेही पाहण्यासाठी यूट्यूबला आपला आवाज टाइप करून आजच सबस्क्राइब करा। तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि पहा ताज्या घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर।